क्या हुआ है? मैं कल से देख रही हूँ कि तुम बड़ी खामोश खामोश बैठी हो। आमना जोया से मुखातिब हुई। वो दोनों उस वक्त आमना की भाभी के वेलकम की तैयारियाँ कर रही थी। दुल्हन लेने सिर्फ बड़े लोग ही गए थे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, जोया ने टालना चाहा। वरना वो तो कल से अल्तमश के बारे में ही सोच रही थी। कल का वाकया वो भुला ही नहीं पा रही थी। वैसे मैंने सुना है कि छोटे साई ने तुम्हारी और रोहान जी की जान बचाई थी। मुझे लगता है कि हम उनके बारे में गलत सोचते रहे हैं। वो हवेली के बाकी मर्दों से बहुत मुख्तलिफ हैं, आमना मुस्कुराते हुए बोली। ज़रूर रोहान जी ने तुम्हें सब कुछ बताया होगा, जोया ने जी पर जोर देते हुए कहा तो आमना शर्मा गई। तुम ना अपने दिमाग से ये गलत फहमी दूर कर दो कि इस हवेली का कोई भी मर्द अच्छा है। वहाँ सब के सब भेड़िए हैं जिन्हें सिर्फ खून पीना आता है। उसकी आंखों में लाल डोरियाँ उभरी। तू ऐसे क्यों बोल? इससे पहले कि आमना कुछ और बोलती, बाहर से हाँपता कांपता बच्चा भाग कर घर के अंदर आया। अरे छोटू, तू क्यों यूँ भाग कर आ रहा है? आमना हैरानगी से बोली। वो बाजी, वहाँ पर बड़ा वबाल हो गया है। वो वहाँ पर, उसके आगे छोटू ने जो भी बोला उसे सुनने के बाद आमना और जोया, उनके तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। भागती हुई वो घर से बाहर निकली और अपने घर की तरफ लपकी। आमना भी पीछे भागी थी। लाला प्लीज़ मान जाए ना, वो मेरा जिगरी दोस्त है। अगर वो नाराज़ हो गया तो मैं भी नाराज़ हो जाऊँगा, अरसलान मुँह बना कर बोला। वो उस वक्त अल्तमश के कमरे में खड़ा अपनी बात मनवाने के हज़ारों जतन कर रहा था, हज़ारों तरीके अपना रहा था। हो जाना नाराज़, पर मैं तुझे उस शादी पर जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा, वो हूबहू अपने काम में मसरूफ बोला था। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब है, इस वजह से। यही वजह है ना, अरसलान मुंह बिसोर कर बोला। तुम्हें लगता है ये वजह हो सकती है? अल्तमश ने भवें उचका कर पूछा। अरसलान ने चेहरा मोड़ लिया। अल्तमश ने काम बंद किया और उसके करीब जाकर खड़ा हुआ। तुम जानते हो, बचपन से तुम और अरीशा दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम दोनों की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा किया है मैंने आज तक। अगर आज मैं मना कर रहा हूँ तो उसकी कोई वजह होगी ना। तुम शायद नहीं जानते, दूसरे गांव के नाजिम शाह के साथ कुछ अनबन चल रही है हमारी। कल भी मेरी उसी से लड़ाई हुई। वो बस कमज़ोर कड़ी ढूंढ रहा है हमारी। जिस शादी में जाने की ज़िद तुम कर रहे हो ना, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। तो मेरे भाई, अपने लाला की बात मान और मत जा, अल्तमश ने उसे बहुत प्यार से समझाया और पलटने लगा। आप ये सोच कर नहीं भेज रहे कि कहीं वो मुझे मार ना दे? मैं इस डर से वहाँ ना जाऊँ? तो ऐसा मुमकिन नहीं। अरसलान शायद ज़िंदगी में पहली बार इतना सीरियस हुआ था। अल्तमश उसकी बात सुनकर पलटा और उसे देखने लगा। उसे उसमें अपना ही अक्स नज़र आया, वो भी इसी तरह का था। तो मतलब तुम नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है, चले जा, अल्तमश मुस्कुरा कर बोला। यस, थैंक यू, अरसलान उछलते हुए बोला और उसके गले लग गया। तुम अकेले नहीं जाओगे, साद और शम्स को भी साथ लेकर जाओगे। ठीक है ठीक है। वो दोबारा से उनके गले लगा और दरवाजे की तरफ मुड़ा तेज़ी से। लाला शादी से आकर रात को बैडमिंटन खेलेंगे, आज भी हारने के लिए तैयार रहना, वो एकदम पलट कर बोला। तो अल्तमश ने ओके का साइन दिया और वो मुस्कुरा कर बाहर निकल गया। अल्तमश खुल कर मुस्कुराया। वो तीनों उस वक्त अपने दोस्त की शादी पर मौजूद थे, निकाह हो चुका था। ओए ये देखो, रोहान उर्फ रूही भी यहाँ मौजूद है। शम्स रोहान को देखकर तमस्कराना अंदाज में बोला। उन दोनों की बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल नहीं बनती थी, रोहान ने उन्हें इग्नोर किया। ये शादी सरकारी स्कूल में हो रही थी, गाँव की अक्सर शादियाँ उसी स्कूल में ही होती थी। ये स्कूल गाँव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था, उससे आगे जंगल शुरू हो जाता था। स्कूल का बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पर टेंट लगाया गया था। वहाँ पर सारे बाराती मौजूद थे और अंदर सब खाना खा रहे थे। रोहान कब से बाहर आकर घर कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। वो चलता हुआ एक तरफ आ गया, तभी शम्स ने उसे देख लिया तो वो उसकी तरफ आ गया। काम करने आया होगा, छोड़ो चलो यहाँ से, अरसलान ने उन दोनों को कहा। वो नहीं चाहता था कि लड़ाई हो। मेरे दोस्त की शादी है और तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शम्स यहाँ होगा। क्यों, ये जगह तेरे बाप की है जो यहाँ नहीं आ सकते हम? लेकिन खैर, तेरे बाप की इतनी औकात है ही नहीं जो ये जगह तो छोड़ तुझे ढंग का एक सूट भी दिला सके, शम्स तंजिया अंदाज में बोला। मेरे बाप को छोड़, तेरे बाप ने यहाँ गरीबों की बस्ती में आने की इजाज़त दे दी तुझे? वैसे तो उसे गरीबों से बड़ी नफरत है।
वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देता बोला, अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में बोले तू। शम्स ने गुस्से में आकर उसकी नाक पर मुक्का मारा, वो संभल ना पाया और मुंह के बल जा गिरा। शम्स क्या कर रहा है तू, पागल हो गया। साद और अरसलान ने उसे रोकना चाहा पर वो नहीं रुका और रोहान की तरफ बढ़ा। क्या हुआ, खुद के बाप के बारे में सुन नहीं पाया कुछ? सच सुनने के लिए वैसे भी जिगर की ज़रूरत होती है, वो तो तुझ में है नहीं, वो ज़मीन से खड़े होते हुए तंजिया अंदाज में बोला। आज तो तुझे बच्चू नहीं छोड़ूंगा मैं। शम्स ने उसे दोबारा से मुक्का मारने की कोशिश की पर रोहान ने उससे पहले उस पर वार किया तो वो दूर जा गिरा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने जहांगीर खान के पोते पर हाथ उठाया। साद भी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। शम्स और साद दोनों उस पर टूट पड़े पर उसने भी जमकर मुकाबला किया, बल्कि ज़्यादा रोहान ने मारा उन्हें। काफ़ी लोग शोर सुनकर उस तरफ आ गए थे पर किसी की हिम्मत ना हुई छुड़वाने की क्योंकि सामने खान हवेली के सपूत मौजूद थे। शम्स कराहते हुए एक तरफ जा गिरा, रोहान और साद एक दूसरे को मार रहे थे। शम्स की नज़र एक तरफ गिरी पिस्तौल पर पड़ी जो शायद उसी की जेब से गिरी थी। उसने फुर्ती से वो पिस्तौल पकड़ी और जोश में आकर खड़ा हुआ। साद को छोड़ दे वरना गोली चला दूंगा, वो ललकारते हुए बोला। साईं आप पिस्तौल नीची करें, वो अभी आपसे माफ़ी मांगेगा, वहाँ पर खड़े बुजुर्ग ने हिम्मत करके बोला। चुप कर बुढ़े, खबरदार जो कोई इस मैटर में बोला तो। वो गुस्से में धाड़ा तो सबके सब सहम कर पीछे हो गए। गोली चलाने का वैसे भी तुम वडेरों को बड़ा शौक है ना, चला गोली। रोहान ने साथ को धक्का देकर एक तरफ गिराया और गुस्से से बोला, तुझे क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, मरने का बहुत शौक है ना, तो ये ले। इससे पहले कि शम्स गुस्से में आकर गोली चलाता, रोहान ने शम्स के पैर पर अपने पाँव को फ्लाइंग किक की तरह मारा। पिस्तौल हवा में उछली और अब रोहान के हाथ में थी। शम्स अपना हाथ देखता रह गया, एक पिस्तौल तो संभाली नहीं जाती, बड़ा आया वडेरा, आख थू, रोहान तंजिया अंदाज में बोला। रोहान बस बहुत हुआ, पिस्तौल नीचे कर, गोली चल जाएगी। अरसलान गुस्से से बोला, गोली चलने के लिए ही होती है और अभी चलेगी इस शम्स पर, रोहान गुस्से से फुंकारा। शम्स को भी जब मौका मिलता वो ज़रूर उसके साथ पंगा लेता पर आज रोहान की बर्दाश्त की हद हो गई थी। रोहान ने ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाया, शम्स के चेहरे का रंग पीला हो गया था। लाला गोली की आवाज़ फिजा में गूंजी और साथ ही दिल दहला देने वाली चीख भी गूंजी। अरसलान, साद और शम्स ने चीखते हुए उसे पुकारा। गोली इससे पहले कि शम्स को लगती, अरसलान ने उसे धक्का दे दिया और खुद अपने सीने पर गोली खा ली। रोहान ने पिस्तौल वहीं फेंकी और भाग गया वहाँ से। अरसलान, मेरे भाई ये क्या कर दिया, तुझे कुछ नहीं होगा, शम्स उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, जो कि अपनी आंखें बंद कर चुका था। खून तेजी से बहकर जमीन को भिगो रहा था। गाड़ी लेकर आओ जल्दी, साद ऊंची आवाज में बोला। उन्होंने जल्दी से अरसलान को गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ रवाना हुए। अरसलान की सांसें अभी भी चल रही थी। मेरे भाई तुझे कुछ नहीं होगा, साद उसका चेहरा अपने हाथों से थपथपाते हुए मुसलसल बोल रहा था। जल्दी चलाओ गाड़ी, वो जोर से चीखा। 15 मिनट की रैश ड्राइविंग के बाद वो दोनों उसे अस्पताल लेकर पहुंच चुके थे। डॉक्टर्स उसे आईसीयू में ले गए। सारी मेरी गलती है, शम्स रोते हुए बोला, उसे कुछ नहीं होगा, तू दुआ कर, साद ने हिम्मत देते हुए कहा। जोया को जब ये खबर मिली तो वो भागती हुई घर पहुंची। सारे गांव में ये बात पहुंच चुकी थी। रोहान अभी तक घर नहीं पहुंचा था, वो फरार हो चुका था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, सामने जिब्रान और जुलैखा भी दिखे। अम्मा, जोया भाग कर उनके गले लगी, वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। लाला रोहान कहाँ है, जोया ने जिब्रान से पूछा, जो परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। वो कल रात को ही शहर से लौटा था, वहाँ वो वेटर की नौकरी करता था, पता नहीं कहाँ है वो, बहुत बुरा किया, इस सब का अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है, जिब्रान अपने बालों को मुट्ठी में भरते हुए बोला। कुछ नहीं अम्मा, ये पानी पियो, जोया ने उन्हें पानी पिलाया। ये खबर जैसे ही हवेली वालों को पता चली, एक कयामत सी उनके सरों पर टूटी।
सब मर्द अस्पताल की तरफ भागे। अरसलान में हवेली के हर बंदे की जान बसती थी, वो बहुत शरारती था। साइमा बेगम तो ये सुनते ही कि अरसलान को गोली लगी है बेहोश हो गई थी। बाकी सारी खवातीन रब के हजूर उसकी ज़िंदगी बच जाने की दुआएं कर रही थी। शमसाद कहाँ है, अरसलान कहाँ है, खालिद साहब अस्पताल में दाखिल होते हुए चिल्लाए। ताया जान वो अंदर आईसीयू में है। साद भाग कर खालिद साहब के गले लगा। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे अल्तमश खान के भाई पर गोली चलाई। अल्तमश गरजदार आवाज में बोला, ये जरूर उस नाजिम शाह के काम है, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। बंदे भेजो और पकड़ो उसे, पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। खान बाबा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए बोले, नहीं, गोली नाजिम शाह या उसके किसी आदमी ने नहीं चलाई। शम्स बेंच पर बैठ कर बोला, तो किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे भाई पर गोली चलाए। माजिद गुस्से से फुंकारा, हमारे ही गांव का लड़का है, रोहान जिब्रान का भाई है, उसी से हमारी लड़ाई हो गई थी, उसी ने गोली चलाई। साद ने सारी बात बताई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे तो मैं मौत के घाट उतार कर आता हूँ अभी। अल्तमश का नाम सुनते ही दिमाग भक से उड़ गया था, वो वापस मुड़ा। जब सुहेल साहब की आवाज़ गूंजी, रुको, उसे सजा बाद में देना, अभी अरसलान ज़्यादा अहम है, हमें उसकी तंदुरुस्ती की दुआ करनी चाहिए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। अल्तमश ने उनकी बात को सही समझा और रुक गया। वो चाहता तो ये था कि अभी के अभी रूहान के अंदर सारी की सारी गोलियां उतार आए अपने पिस्तौल की, पर अपने भाई की हालत को सोचकर रुक गया और अपने कदम आईसीयू की तरफ बढ़ा दिए। यह अस्पताल बहुत छोटा था, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस गुजारे लायक था। 2 घंटे गुजर गए पर कोई डॉक्टर बाहर ना आया। सबके सब परेशानी और इस्तराब के आलम में कॉरिडोर के चक्कर लगाते रहे। तभी एक डॉक्टर बाहर निकला। मेरा भाई कैसा है, अल्तमश डॉक्टर की तरफ भागते हुए बोला। देखें, गोली उनके दिल पर लगी थी, हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर वो ऑपरेशन के दौरान ही दम तोड़ गए। डॉक्टर के अल्फाज सब पर बम बन कर गिरे थे। खालिद साहब एकदम से लड़खड़ाए, माजिद ने उन्हें संभाला। अल्तमश भाग कर आईसीयू में आया। अरसलान मेरे जिगर यार, उठ, ऐसे मत कर, देख मेरे भाई, भाई नहीं है मेरा, तू उठ जाना प्लीज़, अल्तमश उसके चेहरे को हिलाते हुए बोला। पर वो तो आंखें बंद किए सुकून की नींद सो रहा था। सभी डॉक्टर्स की टीम एक साइट पर हो गई। तूने बोला था ना कि रात को आकर बैडमिंटन खेलेंगे, मैंने बाग में तेरी पसंदीदा जगह पर सारा इंतज़ाम किया हुआ है, चलना यार, उठ, खेलेंगे, और इस दफ़ा मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, हमेशा तो अपने लाला को हरा देता है, अरसलान उठ, उठ मेरे यार, अल्तमश रोते हुए बोला। वहाँ पर खड़े हर एक फर्द ने अपनी आंखें साफ की, उन्होंने कभी भी अल्तमश को रोते हुए नहीं देखा था। माजिद ने आकर उसे अपने गले से लगाया, वो फूट फूट कर रो दिया। अरसलान की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। रूहान अभी तक घर वापस नहीं आया था, वो न जाने कहाँ छुप गया था। जुलेखा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था, जोया उन्हें संभालने में हलकान हो रही थी। जिब्रान रूहान को ढूंढने निकला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ खान हवेली में मौत का सा समा था। हवेली का सबसे हंसमुख लड़का, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला, आज आंखें मूंदे सबकी आंखों में आंसू देकर, हमेशा के दुख देकर चला गया था। रात तक अरसलान की मैयत हवेली में आ चुकी थी। आज सालों बाद हवेली में फिर वही खौफनाक माहौल था, मौत का शोर हर तरफ फैला हुआ था। साइमा बेगम अपने लाडले बेटे को यूं देखकर बार बार गश खा रही थी। अरीशा बा मुश्किल ही उन्हें संभाल पा रही थी। कोई कैसे यकीन कर सकता था कि आज सुबह जो इंसान ठीक ठाक घूम फिर रहा था, हंसते खेलते घर से निकला था, रात को यूं सफ़ेद चादर में लिपटा वापस आएगा। 3 बजे तदफीन की गई। तदफीन करके सब शिकस्ता कदमों से वापस हवेली में दाखिल हुए। उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, लड़ाई तो मैंने शुरू की थी, मुझे बचाते बचाते वो खुद जान से हाथ धो बैठा। शम्स गार्डन में खड़े होते हुए बोल रहा था, काश हम दोनों लड़ाई को इतना ना बढ़ाते तो अभी वो हमारे साथ होता। साद अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, मैं उस रूहान को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। शम्स गुस्से में ज़मीन पर पांव मारते हुए बोला, प्लीज़ लाला बस करें, इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, अब खुदा के लिए इस लड़ाई को मत खींचे। साद हाथ जोड़ते हुए बोला और वहां से चला गया।
सामने कुछ तस्वीरें पड़ी थी। वो हर तस्वीर पर हाथ फेर रहा था, साथ में उसकी आंखों से आंसू रवां थे। लाला प्लीज मान जाए, वो मेरा जिगरी दोस्त है, अगर वो नाराज़ हो गया तो मैं भी नाराज़ हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब की शादी है, यही वजह है ना? आप ये सोच कर नहीं भेज रहे कि कहीं वो मुझे मार ना दे या मुझ पर हमला ना कर दे? लाला आप शायद भूल रहे हैं, इंसान की जो रात कब्र में लिखी है वो बाहर नहीं। मैं इस डर से वहाँ ना जाऊँ, ऐसा मुमकिन ही नहीं। लाला शादी से आकर रात को बैडमिंटन खेलेंगे, आज भी हारने के लिए तैयार रहो। सुबह हुई बातें उसके इर्द गिर्द शोर कर रही थी। काश मैं तुझे वहाँ जाने की इजाज़त ही ना देता, वो नम आंखों से तस्वीर को देखते हुए बोला। कभी कभी यूं अचानक से हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन होते हैं, फिर अचानक हवा के झोंके की तरह सारी खुशियां उड़ जाती हैं और पीछे सिर्फ गम रह जाते हैं, सिर्फ गम। पर उन गमों से खुद को निकालना ही सबसे बड़ी जंग होती है। मेरे भाई, मेरा अल्तमश खान का वादा है, उस इंसान को कुत्ते की मौत मारूंगा जिसकी वजह से तुम आज हमसे जुदा हो गए हो। मेरी ज़िंदगी का मकसद ही उस इंसान को तड़पते हुए देखना है। वो लाल अंगारे भरी आंखों से सामने देखते हुए खुद से अहद कर रहा था। खूबसूरत दिन का इख्तिताम बहुत ही भयानक अंदाज में हुआ था। रोहान रात के 3 बजे घर आया था। 2 मिनट जोया से बात करके वो घर से चला गया। उसने जोया को बताया कि वो शहर जा रहा है, सुबह से जिब्रान पंचायत में गया हुआ था। जोया और जुलेखा भी दुआएं कर रही थी। आप सब लोगों को पता है, उस लड़के की वजह से हमारा सबसे छोटा पोता मारा गया। इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं ये फैसला लेता हूँ कि इस लड़के को उल्टा लटका कर 100 कोड़े मारे जाएं। और जहांगीर खान एक पल को रुके और सबकी तरफ देखा। जिब्रान का दिल ज़ोर से धड़का, उसे लगा शायद कोड़े मारने तक ही सज़ा हो और जो वो सोच रहा है वो बिल्कुल भी ना हो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? और क्या साईं, वहीं से एक बुज़ुर्ग बोला, और ये कि हम खून का बदला खून नहीं लेंगे बल्कि हम खून बहा में इनके घर की लड़की लेंगे। आज और इसी वक्त हम इनकी लड़की का निकाह अपने पोते अल्तमश के साथ करेंगे। जहांगीर खान का फैसला सबके कदमों तले ज़मीन निकाल कर ले गया। सभी जानते थे खून बहा में आने वाली लड़की का क्या हाल होता है, नौकरों से बदतर सलूक किया जाता है, ना वो जिंदों में होती है और ना मुर्दों में। साईं, मेरी एक ही बहन है, ये जुल्म मत करें, वो बहुत छोटी है, ये जुल्म मत करें, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, आप मुझे मौत की सज़ा सुना दें। लेकिन मेरी बहन को रोहान, जिसके हाथ बंधे हुए थे, वो ये सब सुनकर भागता हुआ जहांगीर खान के कदमों में बैठते हुए बोला, गलती, सिर्फ गलती, तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरा बेटा चला गया, खबीस इंसान। खालिद साहब ने उसके पेट में अपना पांव मारा तो वो दूर जा गिरा। दादा हजूर, मैं ये सब मानने से इनकार करता हूँ, मैं किसी से निकाह नहीं करूँगा, उस रोहान की बहन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, अल्तमश की आवाज़ पंचायत में गूंजी थी। वो रोहान को देखकर जान चुका था उसी लड़की की बात हो रही है जिसे वो दिल ही दिल में बहुत ऊँचे मकाम पर बिठा चुका था। लेकिन अभी मोहब्बत की जड़ें इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि अपने भाई की मौत भूली जा सके। उसे रोहान और उससे जुड़े हर इंसान से नफरत होने लगी थी। बरखुरदार, हम उसे तुम्हारी बीवी नहीं बनाएंगे, बस निकाह करने लगे हैं। उस लड़की का निकाह तो आज ही होगा, चाहे मुझे फिर साथ से क्यों ना करवाना पड़े। जहांगीर खान सख्त लहजे में बोले। अल्तमश कड़वा घूंट भर कर रह गया। वो जानता था कि अब निकाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि साथ का तो पहले ही मारूख से निकाह हो चुका था। शम्स के लिए अरीशा की बात चल रही थी और बाकी सब शादीशुदा थे, बचता सिर्फ अल्तमश था। अगर वो इनकार कर देता तो किसी से भी निकाह हो सकता था। जाओ मियाँ, अपनी बहन को लेकर आओ, जहांगीर खान ने जिब्रान से कहा, जो अपने आंसू साफ करता रोहान की तरफ देखता घर की ओर चल दिया। उल्टा लटकाओ इसे। अल्तमश हाथ में हंटर लिए उसकी तरफ मुड़ा। रोहान को उल्टा लटकाया जा चुका था। अल्तमश, किसी नौकर को बोलो, वो मारेगा, तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो, रफाकत साहब बोले थे। नहीं चाचू, मैं अपने भाई के कातिल को खुद सजा देना चाहता हूँ,
वो बोल कर आगे बढ़ा और हंटर को रोहान की बरहना कमर पर मारा। रोहान की चीख फिजा में उभरी, वो उल्टा लटकाया गया था, हाथ उसके बंधे हुए थे। अल्तमश गुस्से में मारे चला जा रहा था और रोहान बस चिल्ला रहा था।